हेलो साथियों, नमस्कार, जय हिंद और स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी फॉर जीके में। और आज के इस वीडियो में भारत की प्रमुख झीलों के बारे में बात करेंगे। महत्वपूर्ण झीलें तो बहुत सारी हैं, लेकिन कुछ महत्वपूर्ण झीलों के बारे में बात करेंगे जो एग्ज़ाम की दृष्टि से इम्पोर्टेंट है। तो आप वीडियो के अंत तक बने रहिएगा, वीडियो हेल्पफुल लगता है तो लाइक और सब्सक्राइब करिएगा और शेयर ज़रूर करिएगा दोस्तों। ओके, आइए फिर स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, आप जैसा कि देख पा रहे होंगे, डल झील की बात की जा रही है। अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है ये क्वेश्चन, डल झील भारत के किस राज्य में स्थित है। डल झील की बात की जा रही है, डल झील जम्मू कश्मीर में स्थित है डल झील, याद रखिएगा। नेक्स्ट बात करेंगे क्वेश्चन नंबर सेकंड की, तो क्वेश्चन नंबर सेकंड हो जाएगा, बुलर झील किस राज्य में स्थित है। तो बुलर झील जम्मू कश्मीर राज्य में स्थित है, तो जम्मू कश्मीर अब याद रखिएगा। ओके, याद रखिएगा दोस्तों, जम्मू कश्मीर केंद्र शासित यूपी या यूनियन टेरेटरी राज्य बन चुका है। ओके, नेक्स्ट बात करेंगे क्वेश्चन नंबर थर्ड की, तो क्वेश्चन नंबर थर्ड, बेरीनांग झील किस राज्य में स्थित है। तो बेरीनांग झील की बात की जा रही है, ये भी जम्मू कश्मीर में है। नेक्स्ट बात करेंगे क्वेश्चन नंबर फोर की, तो क्वेश्चन नंबर फोर है मानस बल झील किस राज्य में स्थित है। मानस बल झील किस राज्य में स्थित है, ये भी जम्मू कश्मीर में स्थित है, मानस बल झील याद रखिएगा। नेक्स्ट बात करेंगे क्वेश्चन नंबर फाइव की, शेषनांग झील किस राज्य में स्थित है। ये जो कंटिन्यू चली आ रही झीलें, जो दोस्तों आप याद रखिएगा कि सारी जम्मू कश्मीर में ही स्थित हैं, अधिकतर झीलें जम्मू कश्मीर में, याद रखिएगा। नेक्स्ट बात करेंगे क्वेश्चन नंबर सिक्स की, अनंतनाग झील किस राज्य में स्थित है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा जम्मू कश्मीर। ओके, नेक्स्ट बात करेंगे क्वेश्चन नंबर सेवन की, तो क्वेश्चन नंबर आपका सेवन हो जाएगा, भारत में नागिन झील किस राज्य में स्थित है। भारत में नागिन झील की बात की जाएगी, तो नागिन झील भी जम्मू कश्मीर इसमें स्थित है, आप याद रखिएगा। नेक्स्ट बात करेंगे क्वेश्चन नंबर एट की, तो क्वेश्चन नंबर एट आपका हो जाएगा, भारत में सात ताल झील किस राज्य में स्थित है। सात ताल झील की बात की जा रही है, तो ये भी उत्तराखंड में है, याद रखिएगा। नेक्स्ट बात करेंगे क्वेश्चन नंबर नाइन की, तो नैनीताल झील कहाँ पर स्थित है। नैनीताल भारत के किस राज्य में स्थित है नैनीताल झील, तो ये राइट आंसर हो जाएगा उत्तराखंड में दोस्तों। नेक्स्ट बात करेंगे क्वेश्चन नंबर टेन की, तो क्वेश्चन नंबर राकस ताल झील की बात की जा रही है दोस्तों यहाँ पे, तो राकस ताल जो झील है भारत के किस राज्य में स्थित है, ये उत्तराखंड राज्य में स्थित है, राइट आंसर उत्तराखंड हो जाएगा। नेक्स्ट बात करेंगे दोस्तों हम क्वेश्चन नंबर इलेवन की, तो माला ताल झील किस राज्य में स्थित है। तो माला ताल झील की बात की जा रही है, इसका राइट आंसर हो जाएगा उत्तराखंड। ओके, नेक्स्ट बात करेंगे क्वेश्चन नंबर ट्वेल्व की, तो ये आपका देवताल झील भारत के किस राज्य में स्थित है, इसका राइट आंसर हो जाएगा उत्तराखंड। नेक्स्ट बात करेंगे क्वेश्चन नंबर थर्टीन की, नौकुचिया ताल झील कहाँ पर स्थित है, ये भी याद रखिएगा, जम्मू कश्मीर में भी स्थित है, राइट आंसर जम्मू कश्मीर हो जाएगा। नेक्स्ट बात करेंगे दोस्तों हम, सॉरी, ये जम्मू कश्मीर नहीं है, ये उत्तराखंड में है। नौ ये जो झील है आपका 30 नंबर क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा दोस्तों, ये 30 नंबर क्वेश्चन है, जो नौकुचिया ताल झील है जम्मू कश्मीर में नहीं है, सॉरी माफ़ कीजिएगा, ये आप उत्तराखंड में याद रखिएगा, उत्तराखंड में नौकुचिया ताल कहाँ पर है, उत्तराखंड में है, राइट आंसर उत्तराखंड हो जाएगा। ओके दोस्तों, नेक्स्ट बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 14 की, तो क्वेश्चन नंबर 14 हो जाएगा, खुरपा ताल झील किस भारत के किस राज्य में स्थित है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा उत्तराखंड, क्या हो जाएगा, राइट आंसर उत्तराखंड हो जाएगा दोस्तों। ओके, नेक्स्ट बात करेंगे हम क्वेश्चन नंबर 15 की, और इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है ये, सामर झील भारत के किस राज्य में स्थित है। आप इतना याद रखिए, सामर झील जो है राजस्थान में स्थित है। ओके दोस्तों, और वीडियो आपको हेल्पफुल लगता है तो लाइक और दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करिएगा दोस्तों। ओके दोस्तों, ये वीडियो में कुछ जो झीलें थी वो कंप्लीट की हैं, और अभी बाकी कुछ झीलें तो नेक्स्ट पार्ट में रहेंगी। अब मिलते हैं कल सेकेंड पार्ट के साथ इस वीडियो के, और तब तक के लिए आपसे विदा लेते हैं। जय हिंद, जय भारत।